जागृत नागरिक सुरक्षित शहर आपल्या आसपास होणाऱ्या सर्व घडामोडी कैद करा आपल्या अँड्रॉइड मोबाईल मध्ये आणि पाठवा आम्हाला बुलेटिन मध्ये फ्लॅश करू। सोबत पाठवा आपले नाव आणि परिसराचे नाव। आमचा व्हॉट्सअप क्रमांक आहे 9890952148, 9371119331 आणि 9421081786। जळगाव शहरातील नवीन चौक निरनाका या परिसरात देखील सर्व समाज बांधवांच्या वतीने या ठिकाणी खाण्यापिण्याचे स्टॉल लावण्यात आलेले आहे। अप्रवासी मजदूर कामगार हे आपल्या गावी परत असताना त्यांचे खाण्यापिण्याचे हाल होत आहे आणि पवित्र रमजान सुरू असल्या कारणाने देखील मुस्लिम समाज बांधवांच्या वतीने हे स्टॉल लावण्यात आले आहे, जेणेकरून जास्तीत जास्त आम्हाला पुण्य कमावता येईल या दृष्टिकोनातून हे स्टॉल लावण्यात आलेले आहे। या ठिकाणी बिस्किट, चहा, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, जेवण, थंड पाणी इत्यादी लागणाऱ्या सगळ्या सोयी सुविधा 24 तास इथं पुरवल्या जात आहे। गेल्या अनेक दिवसापासून हे स्टॉल चालू असून याचा नागरिक याचा लाभ देखील घेत आहे। ये जो कार्यक्रम चल रहा है, ये जो लोगों की मदद चल रही है और ये जो मजदूर लोग मुंबई से यूपी बिहार के लिए जा रहे हैं, हम लोगों ने इनके लिए यहाँ पे खाने का, पानी का, अंडे का और बिस्किट वगैरह, दूध वगैरह और ये इंतजाम रखा है। ये हमारे समाज ने और तीन निकल गया और इसमें हम इतने समाज को अपने पास से खर्च करके इन लोगों की मदद कर रहे हैं। किसी में किसी का वो नहीं है, किसी प्रशासन का कुछ नहीं है या किसी सरकार की तरफ से नहीं है। हम हमारे भाई लोग मिलकर इनकी मदद कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जलगांव शहर से जो भी आदमी जाए, वो भूखा प्यासा ना जाए, महाराष्ट्र से का नाम रहे, जलगांव जिले का नाम रहे, जलगांव का नाम रहे। चौबीस घंटे कोई जात पात का कोई वो नहीं है, कोई भी कोई समझ के दखल नहीं है। जो भी आए वो खाके जा रहा है, कोई भी धर्म का अल्लाह का शुक्र है कि जो भी मदद मिल रही है वो अल्लाह का एहसान हो। घर में भाई आधा करते हमारे मुख्यमंत्री का, उधर ठाकरे जी का, जो उन्होंने लोगों की जो सहूलत दी और उसके वजह से हमको खिदमत करने का मौका मिला। और महाराष्ट्र का नाम जो आज पूरे इंडिया में जो चल रहा है, इंडिया में चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और ऊपर आने हमको एक चुना है कि भाई हम गरीब और ये मजदूर लोगों की मदद करने के लिए हमको एक चुना गया है, ऊपर भगवान ने चुना है। इसमें कोई जात पात का कुछ नहीं है, हम सब के लिए खड़े हैं और 24 घंटे खड़े हैं। यहाँ तक कि जो पैदल मजदूर आ रहे हैं उनको भी हम गाड़ी वाले से रिक्वेस्ट करके बोल के उसको उनमें गाड़ी में बैठा के भेज रहे हैं। बहुत और यहाँ पे खाने का सब अच्छे से अच्छा खाना खिला रहे हैं, साफ सुथरा खाना खिला रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है और मेडिसिन भी दी जा रही है। और जो कुछ लोग आ रहे हैं, अगर उनको गाड़ी नहीं है तो वहाँ पे हम आराम का भी इंतजाम करेंगे, वहाँ पे आराम करो, पानी का इंतजाम, ठंडे से ठंडा। और हर जो हमसे बन रहा है और जो लोग मदद कर रहे हैं अच्छे से अच्छे, आज जलगांव शहर के अच्छे अच्छे लोग मदद कर रहे हैं, हर समाज के लोग भेज रहे हैं यहाँ पे। हमारे तमाम लोगों ने मिलकर आज यहाँ पे जाने वाले लोगों, यहाँ पे हर चीज का इन लोगों ने उपलब्ध करके रखा है, पानी, चाय, कॉफी, दूध, कोल्ड ड्रिंक, हर चीज से आने जाने वालों को बिस्किट से लेके हर जरूरत से जरूरत बारी छोटी से छोटी चीज को इन लोगों ने जरूरत पूरी करने की कोशिश की है। जैसे जो भी मुसाफिर यहाँ से आना जाना कर रहे हैं, इन सभी लोगों का इन लोगों ने इनके तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। ये लोगों ने सभी चीज़ों को मतलब बारीकी से लोग आने जाने वालों को मदद कर रही है। और हमारा सिर्फ यही एक कहना है कि भाई आगे भी लोग हौसला अफजाई करें और आने वाले इन लोगों का कहना भी यही है कि आने वाले लोग जो आगे भी जो लोग हैं, जहाँ तक ये लोग मदद कर सकते हैं, लोग वहाँ पे भी मदद पहुँचाने की कोशिश करें।